नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, पांच बीमारियां जिनके प्रकोप से बदल गया दुनिया का इतिहास, जो तारीख पूरी दुनिया आज तक नहीं भूली। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन एक नाटकीय अंदाज में बदल रहा है। वो जिस तरह के लोग रहन सहन के आदि रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। हालांकि ये बदलाव फिलहाल तो वक्ती नजर आ रहे हैं, लेकिन तारीख के पन्ने महामारियों के इतिहास बदलने की मिसालों से भरे पड़े हैं। इन महाबीमारियों की वजह से कई सल्तनतें तबाह हो गईं, साम्राज्यवाद का विस्तार भी हुआ और दायरा भी सिमट गया। यहाँ तक कि दुनिया के मौसम में भी इन बीमारियों के कारण बड़े उतार चढ़ाव देखे गए। आइए जिक्र करते हैं उन महामारियों के इतिहास बदलने की कुछ मिसालों पर। ब्लैक डेथ, एक ऐसी महामारी जिसने पश्चिमी यूरोप के शक्तिशाली उदय का वर्णन किया। 14वीं सदी के पांचवें और छठे दशक में प्लेग की महामारी ने यूरोप में मौत का दिल दहलाने वाला तांडव किया था। इस महामारी के कहर से पूरे यूरोप में एक तिहाई आबादी काल के ग्रास में समा गई। 10 लाख से अधिक जान लेने वाली यह महामारी कई यूरोपीय देशों के लिए वरदान भी साबित हुई। अपने नागरिकों की इतनी बड़ी तादाद के मौत के बाद बहुत से देशों ने खुद के लिए हर लिहाज से इतना आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने आप को इतना योग्य बना दिया कि आज दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होते चले गए। ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारण खेतों में काम करने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या भी कम हो गई। इससे जमींदारों को काम करने में दिक्कत आने लगी और जो किसान बचे थे उनके पास जमींदारों के सौदेबाजी की क्षमता बढ़ गई और इसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देशों में सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी, जो किसान अपना राजस्व भरने के लिए जमींदारों के खेतों पर काम करने को मजबूर थे, वे जमींदारों के कैद से आज़ाद होने लगे, जिसके बाद मजदूरी पर काम करने की प्रथा शुरू हुई। पश्चिमी यूरोप ज़्यादा आधुनिक व्यापारिक और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चला। यूरोप के लोग अपने प्लेग से इतनी मौतें देख चुके थे कि उनके मन से जान जाने का डर निकल गया था और वे नई दुनिया की तलाश में कहीं जाने को तैयार थे। पश्चिमी यूरोप में भी इसके बाद में एक नई ऊर्जा आई। अब बात करते हैं नंबर दो की बीमारी की। अमेरिका में चेचक से मौत और जलवायु परिवर्तन देखे गए। यूरोपीय देशों ने 15वीं सदी के अंत तक अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेशवाद के प्रसार करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ब्रिटेन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि यूरोप के विस्तार के बाद अमेरिका की करीब 6 करोड़, जो कि उस समय दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा थी, इसकी आबादी का केवल एक सदी में घटकर महज 60 लाख लोगों की तादाद रह गई। इसके बाद इन इलाकों में होने वाली अधिकतर मौतों के लिए वो बीमारियां जिम्मेदार थी जो उपनिवेशवादी और अपने साथ लेकर के अमरीका पहुंचे थे, और इनमें सबसे बड़ी बीमारी थी चेचक। अन्य बीमारियों में खसरा, हेजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी और टाइफाइड्स भी शामिल थी, जिन्होंने उस समय करोड़ों लोगों की जान ले ली। इन बीमारियों की वजह से इन इलाकों के लोगों में बेपनाह दर्द झेला, बड़े पैमाने पर जान का भी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। दुनिया के तापमान में भी कमी आई। इसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे आ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेरिका में बड़ी हरियाली के साथ बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों के विस्फोट और सूरज की गतिविधियों की कमी के चलते दुनिया का तापमान में कमी आई और दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ चल पड़ी जिसमें लिटिल आइस एज और लघु हिम युग के नाम से जानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अमेरिका में जो यूरोपीय देश अपने साम्राज्य विस्तार के साथ तबाही लेकर के आए थे, उनके कारण हुए जलवायु परिवर्तन का शिकार भी सबसे ज़्यादा यूरोप ही हुआ था, जहां बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई थी और यूरोप में सूखे जैसे हालात बने। अब बात करते हैं येलो फीवर की, जो कि फ्रांस के खिलाफ हेती की बगावत थी। कैरिबियाई देश में हेती की एक महामारी के प्रकोप से उस समय बड़ी साम्राज्यवादी ताकत फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के बाहर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसके बाद अमेरिका एक बड़े और ताकतवर देश के तौर पर विकसित हुआ। वो महाशक्ति बनने की
दिशा में आगे बढ़ चला। ये बात हम 1801 की कर रहे हैं। उधर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को आजीवन देश का शासक घोषित कर दिया था। नेपोलियन ने पूरे हेती द्वीप पर अपना कब्जा जमाने की सोची। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि बड़ी बड़ी महामारियां जब भी आई है पूरी दुनिया में तबाही लेकर जरूर आई है, लेकिन उससे एक नई चीज़ का उदय भी हुआ जब फ्रांस का उपनिवेशिक विस्तार हुआ। लेकिन पित्त ज्वर और येलो फीवर के प्रकोप के कारण वे खुद को नहीं बचा पाए। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस में करीबन 50,000 सैनिक अधिकारी डॉक्टर इस बुखार की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। उस समय हेती पर कब्जे के लिए फ्रांसीसी सैनिकों में महज 3,000 लोग फ्रांस लौट सके थे। यूरोप के सैनिकों के पास में कुदरती तौर पर इस बुखार को झेलने की वो ताकत नहीं थी जो अफ्रीकी मूल के लोगों में थी। इस हार ने नेपोलियन को न सिर्फ हेती का उपनिवेशक छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस और उपनिवेशक विस्तार में अपने ख्वाब को भी तिलांजलि दे दी। इसके बाद में एक जिक्र आता है कि अफ्रीका में महामारी फैली थी जो जानवरों की थी। अफ्रीका में पशुओं के बीच में फैली महामारी ने यूरोपीय देशों को जहां अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद की, हालांकि ये ऐसा प्रकोप नहीं था जिससे सीधे इंसान की मौत होती, लेकिन इस महामारी ने जानवरों को बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया। 1888 और 1897 में इस दरमियान राइंडरपेस नामक एक वायरस ने अफ्रीका में लगभग 90% पालतू जानवरों को खत्म कर दिया था। इसे आप जानवरों में होने वाला एक प्रकार से प्लेग कह सकते हैं। इससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले बहुत सारे समुदायों पर मानव कयामत आ गई। लोगों में बिखराव आ गया, भूखमरी भी फैल गई क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग बैलों और पशुओं पर निर्भर थे। ऐसे ही प्लेग के प्रकोप के कारण चीन में मिंग राजवंश का पतन हुआ। चीन में मिंग राजवंश ने लगभग 3 सदी तक राज किया था। एशिया के इस बड़े इलाके में जबरदस्त सियासी और सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा था, लेकिन प्लेग की वजह से इसे ताकतवर राजवंश का बहुत ही विनाशकारी अंत किया। लेकिन इसके बाद में एक महामारी ने इससे बेहद ताकतवर राजवंश के पतन में अहम भूमिका अदा की। वर्ष 1641 में उत्तरी चीन ने प्लेग जैसी महामारी पर हमला बोला। वर्ष 1641 में उत्तरी चीन में प्लेग जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ा, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई। कुछ इलाकों में प्लेग की वजह से 20-40% तक आबादी खत्म हो गई। वहीं चीन में प्लेग के वक्त उस समय में दस्तक दी थी जब वहां पर सूखे और टिड्डियों के प्रकोप से जूझ रहा था। फसलें भी तबाह हो चुकी थी, लोगों के पास खाने का अनाज भी नहीं था। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि जब लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं होता था तो वे प्लेग और भूखमरी और सूखे की मार से मर चुके थे, जिस कारण वे वहां पर मरे हुए लोगों की लाशों को नोचकर खाने लगे। कोरोना जैसी महामारी 101 वर्ष पहले भी 1919, 1918 और 1919 के बीच में भी फैली, और अगर बात करें हम अब की तो 1920 यानी सेम इस समय 1920 में आई इस महामारी से कुछ तस्वीरें उस समय की बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में एक अखबार में छपे नोटिस की तस्वीरें भी आपको दिखेंगी जो 7 नवंबर 1918 की हैं, जिसमें 19 अक्टूबर 1918 को एक नोटिस पारित किया जिसमें उसी तरह का एक लॉकडाउन के बारे में बताया गया है। उस समय स्कूलों को बंद कर दिया गया था, पब्लिक और प्राइवेट सभी चीज़ें बंद कर दी गई थी। हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जो आज 1920 में हैं। बताया जा रहा है कि ये कोरोना जैसा वायरस भी उस समय चाइना से ही फैला था। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।